अविनाश सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सर। यानी सचमुच में आपने कमाल कर दिया है, और जब लोग आपकी विक्ट्री के बाद केनिया के ध्वज के बीच में हिंदुस्तान का ध्वज दिखाते थे, यानी सबको आपका चेहरा दिखता था, इतना कमाल आपने किया है। लेकिन अविनाश ये बताइए, 800 मीटर जो आखिरी थे, लोग उस वीडियो को भी बार बार देख रहे हैं, इतना कमाल का आप दौड़े, यानी पहले से कोई आपके मन में था कि इतने स्टेज के बाद ऐसी रणनीति, या उस समय ऐसे ही लग गया बस अब तो खेल पाना ही पाना है, क्या हुआ? सर मतलब ऐसे था कि जाने से पहले जब आपने बात की थी सभी खिलाड़ियों से, तो मतलब इतना मोटिवेशन था। जो आपने एक बात बोली थी कि दबाव में मत खेलिए, तो बस मेरा ये था कि इस इवेंट में केएनएन जीतते ये नहीं है, मुझे सिर्फ दबाव में नहीं खेलना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। और इस मतलब कंपटीशन में चाहे कैसे भी हो, मुझे इनको हरा के मेडल जीतना है। तो जो लास्ट 800 मीटर थी, तब तक मैं फोर्थ नंबर पे चल रहा था, तो उस समय ऐसे लगा कि नहीं, अभी मैं अकेला नहीं दौड़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये वो टाइम है कि अब ये मेडल मतलब हम अपने देश के लिए मतलब उस इवेंट में मेडल जीतेंगे जिसमें मतलब हम सोचते कि हम केनियंस को नहीं हरा सकते। तो उसमें जब मैं 800 मीटर बचा था तो आगे आया और थोड़ा सा गोल्ड से दूर रहा। अविनाश, पदक जीतने के बाद आपने कहा था कि आप राष्ट्रगान नहीं सुन पाए, इसका आपको दुख, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपका वो भाव अभी भी आपके मन में भरा पड़ा है। आप अपने इस विजय को कम क्यों आंकते हैं? आपने सचमुच में देश का नाम रोशन किया है। हाजी सर, जैसे मतलब ऐसे लगता है कि जैसे हर खिलाड़ी का सपना होता है कि जब हम पोडियम पे खड़े हो और तब हमारा राष्ट्रगान बजे, तो जो उसमें खुशी होती है मतलब वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे लगता है कि मतलब मैं मेडल जीत गया, इसके पीछे मैं पिछले 4 महीने से अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे जो भारत सरकार है हमारे, तो उसमें टॉप्स ने, साई ने, फेडरेशन ने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो 4 महीने में मुझे केनियंस के साथ खेलने मतलब कंपटीशन करने का मौका मिला, तो मेरे अंदर का जो डर था वो निकल गया था कि मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ इनके साथ और मैं कंपटीशन भी खेल रखे तो मैं इनको हरा सकता हूँ, हम हिंदुस्तानी इनसे कम नहीं है। अविनाश, आपका मिजाज बिल्कुल एक फौजी का मिजाज है, तिरंगे की शान एक प्रकार से आपके जीवन का कण कण उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछली बार आपसे मैंने पूछा था जब आप जाने वाले थे उसके पहले, और सहज भाव से मैंने पूछा था क्या देश को एक दूसरा मिल्खा सिंह मिलने वाला है क्या, और आपने सचमुच में ये साबित कर दिया। और मुझे लगता है आपका तो पुरुषार्थ है ही है, आपका संकल्प भी है और आप बहुत अनुशासित भी हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है फौज की रोटी का भी कोई कमाल है। हाँ जी सर, मैं जब आर्मी में ज्वाइन किया था 2012 में, तो आर्मी में 4 साल में मतलब जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पूरा करने के बाद 4 साल जो आर्मी का ड्यूटी होता है एक सोल्जर का, वो करने के बाद मतलब मुझे आर्मी ने बहुत कुछ सिखाया कि एक डिसिप्लिन क्या होती है, एक आपको किसी चीज़ पे मतलब कैसे ध्यान किया जाता है, प्रेशर में कैसे मतलब लास्ट दम तक कैसे लड़ना है। तो वही चीज़ मेरे साथ इस कॉम्पिटिशन में हुई कि लास्ट तक ये नहीं था कि
मैं मतलब पोडियम पे आ सकता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।